सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डैंगलिंग पॉइंटर के बारे में। तो ये हमारा पॉइंटर का टाइप नंबर 5 है। इससे पहले मैंने पॉइंटर के 4 टाइप्स आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। डैंगलिंग पॉइंटर का सिंटैक्स यूज करके हम एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलिए डैंगलिंग पॉइंटर का डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ इनएक्टिव एरिया लोकेशन then the pointer is called dangling pointer. डैंगलिंग पॉइंटर हम उस पॉइंटर को कहते हैं जो इन एक्टिव एरिया लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसी पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, बस आपको एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करें और वेरिएबल नेम, तो ये तो हमारा पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स हो गया। तो कैसे आप इस पॉइंटर को डैंगलिंग बना सकते हैं, चलिए उसका प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन होगा जहाँ से प्रोग्राम का बिगनिंग होगा। मेन फंक्शन के अंदर कंसिडर करिए हमारे पास एक पॉइंटर है इंट पी, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर का एक ब्लॉक होगा, हमारा जो इंट डेटा टाइप है इसका एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक ए नाम का इंटीजर वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू सेट कर दिया 10, 5, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 रख रहे इस बार। उसके बाद ये पॉइंटर क्या किया, ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा, यानी होल्ड कर लिया ए के एड्रेस को। तो अब अगर आप इस पॉइंटर को जो पी नाम का पॉइंटर दिख रहा है इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करते हैं, ठीक है, इस ब्लॉक के बाहर अगर आप यहाँ पे इस पॉइंटर पी को एक्सेस करेंगे, ये हमारा पी नाम का पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है यहाँ के लिए इस ब्लॉक के बाहर। क्यों, यहाँ पे मैं मेमोरी के थ्रू आपको समझा रहा क्यों ये डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले मेन फंक्शन है, आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर एक पॉइंटर है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर बना रहा हूँ पी, ये हमारा पॉइंटर है। और एक ए नाम का वेरिएबल है, ये ए वेरिएबल है, इसको मेमोरी कहीं पे मिला होगा और इसमें 5 है वैल्यू, इसका एड्रेस आप 1000 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1000 लिया। तो ये पॉइंटर क्या कर रहा है, ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा यहाँ पे। अभी पॉइंटर के पास ए का एड्रेस आ चुका है और इस ए का ब्लॉक, इस ए का जो लाइफ टाइम है इसी ब्लॉक तक है। तो अगर आप इस पॉइंटर को इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराते हो पी को, तो ये इसका एड्रेस प्रिंट करके देगा, एक एड्रेस जो इसने होल्ड करके रखा है, लेकिन अभी इस ब्लॉक के बाहर ए नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ए एक ब्लॉक लेवल का वेरिएबल है जिसका लाइफ टाइम इस ब्लॉक के बाहर नहीं है, लेकिन पॉइंटर के पास अभी भी इसका एड्रेस है। तो जब ए ही नहीं रहा और ए का एड्रेस पॉइंटर के पास है, तो वही उसी को हम कहते हैं इनएक्टिव एरिया लोकेशन, जैसा डेफिनेशन में मैंने लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप पी को प्रिंट करेंगे तो एक एड्रेस प्रिंट होगा, ये हमारा डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है। और अगर आप सोचे कि ए का वैल्यू मैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर पॉइंटर से एक्सेस कर लूँ 5, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ए डिस्ट्रॉय हो चुका है जैसे ही हम इस ब्लॉक के बाहर आए। तो इसी पॉइंटर को हम क्या कहते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल था डैंगलिंग पॉइंटर का। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब